स्कॉलरशिप का भी शुरू हो गया है, 2 महीने पहले ही आपको जानकारी दी गई। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय आता चाफी, इज बैक अगेन टू अनदर ब्लॉग वीडियो। आज हम आए निराला स्कूल। तो अभी छिल्लर देने का फंक्शन था निराला स्कूल में, तो हम वही शूट कर रहे थे और अभी हमारे पीछे बच्चे लोग खड़े हुए, तो आपको दिखाते हैं पूरे बच्चे। बहुत मज़ा करे इन लोगों ने, मुझे तो समझ नहीं आया कैसा मज़ा हुआ, मगर फिर भी जो हम लोग आज मना रहे हैं, सेलिब्रेट द चिल्ड्रंस डे, बालक दिन हम लोग मना रहे हैं। आप लोग को पता है क्यों मनाया जाता है? किसी को जानकारी है चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है कि हम लोग पूरा इंडिया जो है चिल्ड्रंस डे बालक दिन के नाम से मनाते हैं? कोई है ऐसा बताएगा? बोलो बोलो। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। कौन थे जवाहरलाल नेहरू? हु इज द जवाहरलाल नेहरू? वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग हो जाएगी। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अभी उन लोगों ने क्यों ये चिल्ड्रंस डे बालक दिन शुरू किया है? उनको बच्चे अच्छे लगते हैं, जो बच्चे हैं वो अच्छे लगते थे, वो उनको एक हर बार प्रसन्न रहते हुए या फिर बच्चों की खुशी उनके चेहरे पे मुस्कान है ना। और जो छोटे बच्चे रहते हैं, आप लोग भी जो छोटे बच्चे निरागस रहते हैं, चेहरे पे निरागसता रहती, कोई द्वेष नहीं रहता, किसी को कभी मतलब नहीं रहता है ना। छोटा बच्चा कैसा दिखता है? दोस्तमान दिखता है कि नहीं? कोई भी उसको चाहता है, उसको गाल पकड़ने के लिए, कोई भी उसको प्यार करने को चाहता है ना। तो ऐसे बच्चे जो उसके बारे में जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे बच्चा ऐसा अलग होता जाता है ना। फिर वो जैसे समाज में आता है, स्कूल में आता है, फिर एक व्यक्ति से वो बच्चा नहीं रहता, उसका बचपन चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को जो है वो जवाहरलाल नेहरू चांद देते, प्यार करते, तो उनको उसीलिए उन्हें बालक दिन करके उस दिन चिल्ड्रंस डे मनाने की शुरुआत की। और बड़े पैमाने में पूरे भारत में इस प्रकार का चलन शुरू। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पे जो कोट पहनते थे, वो ब्लेजर पहनते थे, उसके ऊपर क्या रहता था? फूल रहता था। कौन सा फूल रहता था? गुलाब का फूल रहता था। क्यों लगाते थे वो गुलाब का फूल? इसका कारण पता है? गुलाब का फूल क्यों लगा देते हो? मैंने उनको जैसे पालक पसंद है, वैसे उनको गुलाब का फूल भी जो है उनको पसंद था। जब भी वो कोई ड्रेस पहनते थे, ड्रेस पहनने के बाद उनके यहाँ पे गुलाब का फूल रहता था। उसके पीछे उनका कारण ऐसा था कि जैसे गुलाब ऐसा महत्व रहता है, वैसे अपने जीवन को भी आप महको है ना। जैसे गुलाब का फूल सुंदर दिखता है, उसका सुवास भी अच्छा आता है, तो वैसे भी अपने काम से, अपने कर्म से अपन महको।
एक दोहा आता है, तुम गुलाब की तरह महको तुम्हें सारा जमाना जाने। क्या बोलते हैं? तुम गुलाब की तरह महको, अरे जैसे ये गुलाब का फूल उसके महक जो है पूरे चारों तरफ रहती है, वैसे अपने कार्य से अपने कर्म से आप अपने जीवन को ऐसा महका हो कि हर लोग जो है वो आपकी तारीफ करे, आपको माने। स्कॉलरशिप का भी शुरू हो गया है, 2 महीने पहले ही आपको जानकारी दी गई, इन्फॉर्मेशन दी गई है। नोटिस आया था, टीचर्स लोगों ने बताया, सब पे व्हाट्सएप पे भी भेजा था। आप लोगों ने अभी तक के डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए, 10-15 दिन अभी बचे हैं, उसमें आपको जमा करना है। देखो एक MFMS का जो है एग्जाम का है, आज शुरू है, लास्ट डेट है, उसको 5 बच्चे के नॉमिनेशन आए, वो हम लोग आज कर रहे हैं। बाकी जो अलग अलग स्कॉलरशिप है उसको बताया गया है, पेरेंट्स मीटिंग में मैंने बताया हुआ है, फिर आप लोग अगर नहीं भरते। Thank you.